नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी बुक डैफोडिल का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अ रेनी डे। आपको सबको पता है रेनी डे क्या होता है। रेनी रेनी का मतलब होता है बारिश, जिस रेन का मतलब होता है बारिश, और जिस दिन बारिश होती है उस दिन को रेनी डे कहते हैं। रेनी डे पर हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जब बारिश होती है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है बाहर जाने के लिए। देखिए, जो हमें कुछ मेन चीज़ें चाहिए होती हैं वो क्या होती हैं, ये क्या है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यानी कि छाता। ये हैं गमबूट्स। नॉर्मल हम शूज़ पहनेंगे तो वो गीले हो जाते हैं ना, ये गमबूट्स हैं। और ये क्या है, ये सबको पता है, रेनकोट। ये हम कपड़ों के ऊपर पहनते हैं ना। आज हम जो कहानी सुनेंगे पढ़ेंगे वो दो बच्चों के बारे में है, अब्दुल और रेहाना के बारे में। आइए देखते हैं कहानी क्या है। एक दिन अब्दुल एंड रेहाना वेंट फॉर अ वॉक। अब्दुल और रेहाना टहलने के लिए गए। हु वेंट फॉर अ वॉक, कौन गया टहलने के लिए। यस, अब्दुल एंड रेहाना वेंट फॉर अ वॉक। It was a sunny day. जब वो टहलने गए तो धूप निकली हुई थी, अच्छा सा दिन था, सनी डे था। The sun was shining brightly. सूरज था वो तेजी से चमक रहा था। The birds were flying in the sky. जो चिड़िया थी वो आसमान में उड़ रही थी। Who were flying in the sky? आसमान में कौन उड़ रहे थे, कौन बताएगा। Yes, the birds were flying in the sky. चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। The children were playing in the garden and within minutes. जो बच्चे थे वो गार्डन में खेल रहे थे और तभी कुछ मिनट्स बाद the sun hid behind the clouds. जो सूरज था वो क्लाउड्स यानी कि बादलों के पीछे छिप गया। What happened within a minute? कुछ मिनट्स के बाद क्या हुआ। The sun hid behind the clouds. जो सूरज था वो बादलों के पीछे छिप गया। जब सूरज बादलों के पीछे छिप गया तब क्या हुआ। बर्ड्स केम एंड सैट ऑन अ ट्री ब्रांच। जो बर्ड्स थी वो आई और एक पेड़ की ब्रांच पर, शाखा पर बैठ गई। वेयर डिड द बर्ड सिट, कहाँ बैठी थी चिड़िया। द बर्ड सिट ऑन अ ट्री ब्रांच। टिप टिप, अब्दुल फेल्ट अ ड्रॉप ऑन हिज हेड। टिप टिप, टिप टिप की आवाज़ क्या कब होती है, जब पानी की बूंद गिरती है। अब्दुल फेल्ट अ ड्रॉप ऑन हिज हेड। अब्दुल ने क्या महसूस किया कि उसके सिर पर एक पानी की बूंद टिप टिप करके गिरी।
टिप टिप रिहाना टू फेल्ट अ ड्रॉप। रेहाना को भी ऐसा महसूस हुआ कि उसके सिर पे एक ड्रॉप टिप टिप करके गिर गई है। Who too felt a drop? और किसने ऐसा महसूस किया कि एक बूंद आकर गिरी है? रेहाना too felt a drop। रेहाना ने ये महसूस किया कि एक पानी की बूंद उसके ऊपर भी गिरी है। It began to rain. Children ran away. एकदम से बारिश होनी शुरू हो गई। Children ran away. और सारे बच्चे इधर उधर भागने लगे। अब्दुल एंड रेहाना did not have an umbrella. अब्दुल और रेहाना के पास छाता नहीं था। What Abdul and Rehana didn't have? Abdul और Rehana के पास क्या नहीं था? Umbrella. Abdul and Rehana did not have an umbrella. They rushed towards their home. और इसलिए वो जल्दी से अपने घर की तरफ भाग गए। थी ना छोटी सी अच्छी सी कहानी? अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे। बाय।